गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे आपका इकोलॉजी और आईपीएम का जो कोर्स है उसके अंदर जो पिछले सालों कुछ साल में जो कोर्स वर्क में आपके जो पेपर होते हैं, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम। तो फाइनल एग्ज़ाम के कुछ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ पेपर, जिनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे कि उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए और किस टाइप के क्वेश्चन जो हो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो ये है पेपर है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2.5 घंटे का टाइम होगा, ठीक है, जिसमें से आधा घंटा आपको मिलेगा सेशन फर्स्ट के लिए जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और सेशन सेकंड के लिए आपको मिलेगा 2 घंटे का टाइम जिसमें आपके 70 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन होते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको ब्लैंक भरना होता है। 10 क्वेश्चन आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और 10 आते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, इसमें पूछा गया क्वेश्चन देखिए, पैरास्टॉइड्स आर यूजली, इसको भूल जाओ एक बार, पैरास्टॉइड्स आर यूजली इन साइज देन देयर होस्ट, यानी कि परजीवियाप जो होते हैं वो अपने पोसी से साइज में कैसे होते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें होती है, मैंने आपको बताया था, एक होता है पैरासाइट, एक होता है प्रीडेटर और एक होता है पैरास्टॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें पैरासाइट की, हेलो, हाँ, तो हम बात कर रहे थे पैरासाइट, प्रीडेटर और पैरास्टॉइड्स की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासाइट की। तो ये जो है ये अपने होस्ट से कैसा होता है, साइज में छोटा, साइज में कैसा होता है, छोटा। और प्रीडेटर जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं परभक्षी, और पैरासाइट को बोलते हैं परजीवी। परजीवी छोटा होता है, परजीवियाप जो होता है पैरास्टॉइड्स जिसकी बात कर रहे हैं ये हमेशा जो है वो सेम हम कह सकते हैं, या फिर इक्वल या फिर बराबर, हिंदी में बात करें तो अपने पोसी साइज में कैसा होता है, हमेशा बराबर होता है। प्रीडेटर की अगर बात करें परभक्षी, तो ये अपने पोसी साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है जुवेनाइल हार्मोन, सेकेंड जो क्वेश्चन है जुवेनाइल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, यानी कि जुवेनाइल हार्मोन जो है वो किससे स्रावित होता है, ठीक है, किशोर हार्मोन जिसको बोलते हैं। तो ये एक ग्रंथि होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसमें कॉर्पोरा एलाटा नाम से होता है जुवेनाइल हार्मोन, किसे सीक्रेट होता है, कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा एलाटा इससे जो है वो सीक्रेट होता है, ठीक है। हिंदी में देख लेना भाई, बाकी मैं इंग्लिश में बताऊंगा। जुवेनाइल हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, किससे होता है, कॉर्पोरा एलाटा से। फिर नेक्स्ट है द केमिकल विच किल मोलस्क्स आर कॉल्ड, यानी कि जो गोंगा समुदाय के जीवों को मारते हैं उनको क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है सबसे पहले तो पता होना चाहिए। तो जो स्नेल्स एंड स्लज जो आते हैं ना, समुद्री जैसे जीव जो होते हैं ना, तो इनको कंट्रोल करने के लिए जिस केमिकल्स को यूज़ किया जाता है इनको क्या बोलते हैं, मोलस्क। और इनको मारने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसको क्या बोलेंगे, मोलस्किसाइड। बस इसके नाम से ही ध्यान में आ जाएगा, मोलस्किसाइड्स बोलते हैं उनको, ठीक है। और ऐसे ही ये आप नॉर्मली आइडिया भी लगा सकते हो, किसी का भी पूछे, जैसे आपको रोडेंट्स का पूछे, रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो वो केमिकल क्या कहलाएंगे, रोडेंटिसाइड, है ना। इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, और पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, वैसे ही मोलस्क को मारने के लिए मोलस्किसाइड। फिर नेक्स्ट है द फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन, सॉरी प्लांट क्वारंटाइन एंड फ्यूमिगेशन स्टेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर इन मुंबई, इसने बता दिया कि मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि पहला जो पादप संगरोध और जो प्रदुमन स्टेशन जो हुआ था, यानी कि इन्होंने बता दिया मुंबई में हुआ था, वो कौन से ईयर में हुआ था, तो इसका सही आंसर है 1951 के अंदर, ठीक है, 1951 के अंदर। फिर नेक्स्ट है The author of Insect Pest Management at its application, ये बुक है एक, इस बुक का भी मैं आपको देख के बताऊंगा, है ना, ये अभी मेरे को ध्यान में नहीं है इस बुक का राइटर के बारे में, बाकी आप सर्च कर लेना नेट पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है द ICR was established in year, कि ICR जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये हुआ था
ठीक है, 1629। एक मिनट भी है ना। हेलो, हाँ भाई, ये वॉइस का शायद कुछ इशू हो रहा है तो बार बार रुकना पड़ रहा है। तो हम बात कर रहे थे आईसीआर की ना, आज इस्टेब्लिश रेनियर कब इस्टेब्लिश हुआ था, सॉरी 1629 नहीं, 16 जुलाई है ना, 16 जुलाई 1929। ईयर का पूछे तो आपको ईयर लिखना है, बाकी पूरा लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आईसीआर कब इस्टेब्लिश हुआ था, 16 जुलाई 1929 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन्स इंटरिंग द इंसेक्ट बॉडी थ्रू फूड आर कॉल्ड, यानी कि वो जो विष है उनको क्या बोलेंगे जो खाद्य पदार्थों के साथ शरीर के अंदर इंटर होते हैं किसी भी इंसेक्ट के अंदर, वो यानी कि थ्रू फूड, जब वो किसी प्लांट सरफेस को फीड करते हैं तब उसकी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे इंजेस्टेड पॉइजन्स, इंजेस्टेड पॉइजन्स। ठीक है, जो इंजेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, दो प्रकार के होते हैं, एक इंजेस्ट होते हैं जो थ्रू माउथ यानी कि फूड के द्वारा जाएंगे, और एक होते हैं पेनिट्रेटिंग जो शरीर की जो त्वचा होती है उसको भेद के उसके अंदर इंटर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं पेनिट्रेटिंग। फिर नेक्स्ट है, द एबायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम आर नोन एज, यानी किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो उपस्थित अजैविक कारक हैं उनको क्या बोलेंगे, इनको नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं। अब इसका रीज़न, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो भी जितने भी नॉन लिविंग है वो सारे इसके अंदर आते हैं एबायोटिक के अंदर, जैसे एग्जांपल के लिए टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और जो है वाटर हो गया, ठीक है, लाइट होगी, ये सारे किस में आएंगे एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग। फिर नेक्स्ट है नोसेमा बॉम्बिसिस, ये आपको एक नाम दिया गया है नोसेमा बॉम्बिसिस, ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, कॉजेज डिजीज इन मलबरी, यानी कि रेशम कीट के अंदर इसके द्वारा एक डिजीज़ होता है, आपको उस डिजीज़ का नाम बताना है, इसने डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दे दिया आपको, इसका पूछा है कि ये कौन सा डिजीज़ फैलाता है जो रेशम कीट होता है शहतूत का, तो इसके अंदर एक डिजीज़ होता है पेब्राइन, ठीक है, तो ये पेब्राइन डिजीज़ फैलाता है, ठीक है, पेब्राइन डिजीज। फिर नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ सीपीवी, सीपीवी की फुल फॉर्म बतानी है तो ये है साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ऐसे ही एक और होता है, आपने देख, मैंने आपको बताया भी हुआ है दोनों के बारे में, एक होता है एनपीवी, इसका भी पूछ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना, इसका होता है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, सीपीवी का होता है साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड, यानी कि इनमें से कौन सा है जो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड नहीं है या फिर सूक्ष्म जैविक कीटनाशी नहीं है। माइक्रोबियल इसका दे दिया, इसका मतलब क्या है कि वो माइक्रोब से बना होगा यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं से बना होगा, और इंसेक्टिसाइड है इसका मतलब क्या, वो इंसेक्ट को ही किल करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, एक है बेसिलस थ्योरिजेंसिस जिसको हम बीटी भी बोलते हैं, ठीक है, फिर है बेसिलस पॉपुली, और एक है एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जिसकी हमने अभी बात की थी, एक दिया हुआ है ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए तीनों क्या है इंसेक्टिसाइड है, ठीक है चारों ही माइक्रोबियली, ठीक है, चारों के चारों ही माइक्रोबियल है, लेकिन ये तीनों इंसेक्टिसाइड है, और ट्राइकोडर्मा जो होता है ये क्या है फंजीसाइड है, ये फंजीसाइड, और पूछा किसका है इंसेक्टिसाइड का। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे ट्राइकोडर्मा दिया हुआ है, एक एंटो में भी टर्म यूज होती है ट्राइकोग्रामा, ठीक है, तो ट्राइकोग्रामा एक कीट है जबकि ट्राइकोडर्मा क्या है एक फंगस है, फफूंद है। फिर नेक्स्ट है रोटिनोन इज आइसोलेटेड फ्रॉम डेरिस इलिप्टिका, इसने दिया है कि रोटिनोन एक क्या है प्लांट डेरिवेटिव है जो कि
प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी जितने भी बोटनिकल इंसेक्टिसाइड है, ये क्या है, एक बोटनिकल इंसेक्टिसाइड है जो रेटिनोन प्लांट है डेरिस लिप्टिका, उसके किस पार्ट से जो है निकाला जाता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो ये निकलता है इसकी रूट से, है ना, जड़ों से, इसकी जड़ों से निकलता है। फिर नेक्स्ट है टू रीच इट्स मेच्योरिटी ए प्रीडेटर रिक्वायर, यानी कि उसको पूर्ण विकसित होने के लिए एक प्रीडेटर या फिर एक परभक्षी को कितने होस्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है, कितने होस्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 1 होस्ट 2 होस्ट 3 होस्ट सेवरल होस्ट। तो मैंने आपको बताया था पैरासाइट क्या होता है, साइज में छोटा होता है अपने होस्ट से, तो वो एक ही होस्ट के ऊपर डिपेंड रह के अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है वो व्यतीत कर सकता है, ठीक है। अब पैरास्टोइड की बात करें तो वो भी क्या है, इक्वल साइज का होता है, और वो इमेच्योर स्टेज में तो पैरासाइट के रूप में रहता है, और मेच्योर जब होता है तब वो फ्री लिविंग रहता है। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, प्रीडेटर की, परभक्षी। तो परभक्षी क्या है, भक्षण करता है, उसका साइज जब होस्ट से बड़ा होता है ना, अब होस्ट से बड़ा होता है तो उसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे होस्ट की आवश्यकता होती है, सेवरल होस्ट की आवश्यकता होती है, अनेक पोषी। फिर नेक्स्ट है ट्राइकोग्रामा पैरास्टोइड। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है ट्राइकोग्रामा की, और अभी हमने पढ़ा था ट्राइकोडर्मा, है ना। तो ट्राइकोग्रामा पैरास्टोइड बिलोंग्स टू, यहाँ पे इसने दे भी दिया ये क्या एक पैरास्टोइड है और कौन सा पैरास्टोइड है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ना। तो ध्यान रखना ये एग पैरास्टोइड है, सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ट्राइकोग्रामा एक क्या है, एक एग पैरास्टोइड है, हो सकता है ट्रूफॉल्स में दे दे, तो ये एग पैरास्टोइड है। अब इसने पूछा है कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो ये हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, और इसकी फैमिली होती है ट्राइकोग्रैबिटिडी। फिर है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये है फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में, 1946 को इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी ध्यान रखना भी, है ना, 1946 में बना था। DPPQS इसका शॉर्ट फॉर्म भी देख के आपसे पूछ सकता है, हो सकता है आपको दे दे DPPQS की फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना डायरेक्टेड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सीसेमिन इज ए, सीसेमिन जो है, ठीक है, तिल के जो ऑयल जो होता है सीसेमिन, ये किसके रूप में काम में लिया जाता है, फेरोमोन के, सिनर्जिस्ट, अट्रैक्टेंट, या फिर ग्रोथ रेगुलेटर, हिंदी में भी आप देख सकते हो। तो ये होता है सिनर्जिस्ट, ठीक है, एक उत्प्रेरक होता है, और उत्प्रेरक क्या होता है आप सबको पता होगा, यानी कि जब इसको इंसेक्टिसाइड के साथ यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है, कोई भी इंसेक्टिसाइड है उसको और ज़्यादा पावरफुल बना देता है, उसको उत्प्रेरक का उसमें काम करता है सिसेमिन, ठीक है। फिर है नियोप्लेक्टना कार्पोकैप्सी इज ए, नियोप्लेक्टना कार्पोकैप्सी आपसे पूछा गया है कि ये क्या है, नेमेटोड है, फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये क्या है, एक नेमेटोड है। फिर है पायरेथ्रम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पायरेथ्रम जो है ये प्लांट के कौन से, किससे प्राप्त होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम किससे निकाला जाता है, ठीक है। तो पायरेथ्रम जो निकाला जाता है वो क्राइसेंथिमम के फ्लावर से निकाला जाता है, गुलदाउदी जो होता है उसके फूलों से निकाला जाता है क्राइसेंथिमम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद में, ये हो गया, ठीक है, पायरेथ्रम कहाँ से निकलता है, ध्यान रखना क्राइसेंथेमम के फ्लावर से। ये क्वेश्चन बोटनिकल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जैसे अभी एक पीछे आया था, है ना, रोटिनोन वाला, तो वो भी क्या है, रूट से निकलता है, और पायरेथ्रम किससे निकलता है, फ्लावर से, क्राइसेंथेमम के। फिर है द इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ DDT, DDT जो इंसेक्ट इसकी केमिकल है, इसकी इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी वर डिस्कवर्ड बाय पॉल मुलर, इसने खुद दे दिया पॉल मुलर के द्वारा जो है वो डिस्कवर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ सकता है कि DDT जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई, तो किसके द्वारा की गई थी, पॉल मिलर, और ईयर था 1939, है ना, 1939 में। फिर नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव आइसोमर ऑफ BHC, बेंजीन हाइजो, बेंजीन हेक्साइक्लोन, BHC जो है इसकी कौन सी, इनमें से आपको कई आइसोमर दिए हुए, कौन सा है जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो वो है गामा, ठीक है। इसका जो गामा स्ट्रेन जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्या है, पॉइजनस होती है, हानिकारक होती है। फिर है ट्रूफॉल्स, ट्रूफॉल्स में सबसे पहले देखे दिया हुआ है द टर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल वाज कॉइन्ड बाय बर्टलेट इन 1956, कि जो IPM की जो सॉरी
इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, सबसे पहले ये टर्म दी गई थी इंटीग्रेटेड कंट्रोल के रूप में, ठीक है, इसको बाद में आईपीएम नाम दिया गया। तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल पूछा गया है कि ये टर्म जो दी गई थी वो बर्टलेट के द्वारा दी गई थी 19 जो है 56 में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा अभी, है ना, ट्रू है ये, इन्होंने दी थी। फिर प्रीडेटर्स आर मोर इफेक्टिव एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग द इंसेक्ट पेस्ट देन पेरास्टोइड, यानी कि परजीवियाब की अपेक्षा परभक्षी जो है ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं नियंत्रण करने में। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो ये क्या है, जल्दी जल्दी इंसेक्ट को किल कर सकते हैं और एक से ज़्यादा होस्ट को क्या है वो एक साथ किल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ए 3 ग्राम टेबलेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रिलीज 1 ग्राम ऑफ फॉस्फिन गैस, यानी कि एक, सबसे पहले तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो टेबलेट होती है उससे कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, फॉस्फिन, फॉस्फिन गैस निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई बहुत बार, ठीक है। और ये क्या है, एक जो है फ्यूमिगेंट है, यानी कि इससे गैस निकलती है जो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए काम आती है। यहाँ पे दिया गया है आपको कि एक एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो, सॉरी, यहाँ पे दिया एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रिलीज 1 ग्राम, यानी कि 3 ग्राम की जो फॉस्फा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टेबलेट है वो 1 ग्राम फॉस्फिन गैस निकालती है, ये पूछा गया, ट्रू एक फॉल्स है, तो ये ट्रू है भाई, ध्यान रखना है ना कि 3 ग्राम की जो टेबलेट होती है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की उससे 1 ग्राम क्या निकलता है, फॉस्फिन गैस निकलती है। फिर इसके बाद, एक मिनट भाई, इसको मैं सही लिख देता हूँ। फिर इसके बाद है, केमिकल मेथड इज द ओनली इफेक्टिव टूल अगेंस्ट इंसेक्ट्स, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया इसने कि रासायनिक नियंत्रण एकमात्र कीट नियंत्रण का प्रभावी तरीका है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत से तरीके हैं, कल्चरल कंट्रोल है, मैकेनिकल है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, केमिकल कंट्रोल तो सबसे लास्ट में यूज लेते हैं अपने, ठीक है, तो एकमात्र नहीं हो सकता ये, कभी भी एक तरीका जरूर है लेकिन एकमात्र नहीं है। फिर है, ट्रांसजेनिक क्रॉप शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट, कि ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वो रेजिस्टेंस दिखाती है, प्रतिरोध क्षमता दिखाती है किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट के अगेंस्ट, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ट्रांसजेनिक कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बीटी कॉटन जो है ना, तो इसमें क्या होता है, इसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है, तो इसके अंदर बीटी जीन को डाला गया है, तो ये क्या होगी, ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो ये क्या है, जिसके अंदर लगने वाले जो पेस्ट है जिनके विरुद्ध इसको बॉलवर्म्स मेनली के खिलाफ इसको बनाया गया था, तो ये इसके अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस पावर जो को शो करती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर क्या है, फिर है, हेलील्योर इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ टोबैको कैटरपिलर, हेलील्योर, तो ये क्या है अभी, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि टोबैको कैटरपिलर का नाम क्या होता है, स्पोडोप्टेरा लिटुरा, तो इसके लिए स्पोडोप्टेरा ल्यूर्स यूज़ किया जाता है, ना कि हेलील्योर। हेलील्योर जो यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लिए, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो इंसेक्ट है, सॉरी पेस्ट है, उसके खिलाफ इसको यूज़ लिया जाता है, हेलील्योर को। फिर नेक्स्ट है, कोक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा इज ए पोटेंशियल प्रीडेटर ऑफ एफिड, कोक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, इसको अगर इसके कॉमन नेम की मैं बात करूं तो इसका कॉमन नेम होता है लेडी बर्ड बीटल, कोलियोप्टेरा ऑर्डर का है, और इसको जो है एफिड के खिलाफ यूज लिया जाता है एज ए प्रीडेटर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोलॉजी, बिल्कुल ट्रू है, यानी कि प्रकृति की संरचना और उसकी कार्य पद्धति के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान, ओडम ने डेफिनेशन दी थी ये। फिर है, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिकल इंजरी लेवल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय स्टर्न 1959, ट्रू है भाई, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल है उसको सबसे पहले डिफाइन किसने किया था, स्टर्न ने किया था 1959 के अंदर। ये क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, बाकी आगे और बात कर लेंगे, है ना। फिर है, इट इज़ बिलीव्ड दैट नेचुरल एनिमीज कंट्रोल अबाउट 90% ऑफ ऑल पोटेंशियल पेस्ट,
आप ध्यान रखिए यहाँ पे क्या करा है कि ऐसा विश्वास किया गया, ऐसा माना गया है कि जो बायोलॉजिकल जितने भी पेस्ट होते हैं, सॉरी बायोलॉजिकल जितने भी जो है नेचुरल इंसेक्ट पेस्ट हैं, कहने का मतलब नेचुरल एनिमी जो है, जैसे प्रीडेटर हो गया है ना, प्रीडेटर्स या फिर पेरास्टोइड्स या फिर पैरासाइट्स हो गए, ये कह रहा है कि ऐसा माना गया है कि ये जो नेचुरल एनिमीज हैं ये क्या है 90% तक कंट्रोल कर देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट पेस्ट जो हैं। तो इसका क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर 90% तक ये कंट्रोल कर पाते तो हमें किसी और मेथड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना केमिकल की ना किसी और की, है ना। तो ये जो है वो ट्रू नहीं है भाई। फिर नेक्स्ट सेकेंड सेक्शन चालू होता है। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताऊँगा जनरली, है ना, उसको पूरा लिख के नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने करवा रखी है। बाकी जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको एक रिटर्न PDF भी इसकी भेज दूँगा जिसके अंदर सारी डेफिनेशंस लिखी होगी भी, है ना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है रेगुलर पेस्ट, दो दो नंबर की डेफिनेशन है, 13 क्वेश्चन आते हैं, आपको उनमें से कोई 10 करने होते हैं। सबसे पहले रेगुलर पेस्ट। अब देखिए रेगुलर का मतलब ही क्या होता है, नियमित। तो ध्यान रखना, किसी भी क्रॉप के अंदर एक पेस्ट की जो नॉर्मल पॉपुलेशन जो हर साल बनी रहती है, यानी कि हम ये मानते हैं कि इतनी पॉपुलेशन जो है, मान लीजिए मैं आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, मान लीजिए ग्राम की क्रॉप है, ठीक है, इसके अंदर जो हेलिकोवर्पा है, ठीक है, इसके अंदर जो हेलिकोवर्पा पेस्ट है, अब मान लीजिए इसकी जो है फॉर किसी एरिया में, मान लीजिए एक निश्चित जो है एरिया में इसके 100 है, 100 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि 100 के नंबर में ये आपको मिलेंगे, ठीक है, इससे आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन मान लीजिए मिलते हैं तो ये क्या हो जाएगी इसकी, ये रेगुलर पेस्ट हो जाएगा कि ये चने की क्रॉप के अंदर इतनी मात्रा में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको क्या बोल देते हैं, रेगुलर पेस्ट, जो हर साल पाया जाता है उस एक पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेगुलर पेस्ट। इसके बाद फिर नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन क्या है, खाद्य श्रृंखला। तो ये आपने पढ़ा होगा सबने, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल। फिर भी मैं बता देता हूँ, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक तो होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, या आप इसको बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जनरली प्लांट्स होते हैं सारे पादप जो हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर्स को खाने वाला क्या होगा, ठीक है, ये होते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर्स, या फिर जिनको बोलते हैं उपभोक्ता, इनको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, जो इस पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब ये कई टाइप के होते हैं, इसमें क्या है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है और टर्शरी भी होता है, ठीक है, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक। तो क्या होगा, ये जनरली प्लांट्स होते हैं, अब क्या है, पादप अपना भोजन खुद बनाएंगे, अब इनको ये प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे, फिर इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे, फिर इनको टर्शरी कंज्यूमर्स खाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, इनकी एक चेन बनी रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन, यानी कि जिसमें एक भोजन बनाता है, फिर उससे दूसरा भोजन प्राप्त करता है, फिर उससे तीसरा, फिर उससे उसके बाद फिर आगे से आगे जो है, इसके बाद फिर डिकम्पोजर्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये श्रृंखला चलती रहती है, इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। फिर है बायोटाइप। बायोटाइप क्या होता है, किसी भी जो है पॉपुलेशन में एक निश्चित, अगर बात करें इकोसिस्टम के अंदर, जो एक ही स्पीशीज के, ठीक है, सेम जीनोटाइप के जो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि एक जैसे दिखने में, एक जैसे या जीनोटाइपिकली जो एक जैसे जितनी भी पॉपुलेशन होती है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की, उसको क्या बोलते हैं, बायोटाइप बोलते हैं, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में एक एक ही जैसे जीनोटाइप वाले या एक ही स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोटाइप बोलते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह जो है वो मैं आपको भेज दूंगा भाई, है ना। फिर है स्टेराइल मेल टेक्निक, नर बंदीकरण तकनीक। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि नाम से ही दिख रहा है स्टेराइल मेल टेक्निक, तो ये क्या है, मेल को स्टेराइल करने को, बंदे करने के लिए है, ताकि उसको पॉपुलेशन जो है ना,
पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर सकें या फिर आगे ब्रीडिंग होने से रोका जा सके इनको, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो मेल्स होते हैं इनकी रेयरिंग करते हैं, यानी कि इनको पाला जाता है। रेयरिंग करने के बाद इनको क्या है, स्टेराइल किया जाता है, बंदीकरण किया जाता है। अब वो अल्ट्रा जो है वोलेट किरणों से भी हो सकता है, या मेनली जो है कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है, जो भी है इससे क्या स्टेराइल किया जाता है, फिर इनको क्या है फ्री छोड़ दिया जाता है। अब ये जब मेटिंग करेंगे किसी नॉर्मल जो है फीमेल के साथ, तो इनसे क्या है आगे इनकी संतति नहीं बढ़ पाती, ठीक है, आगे इनकी संतति नहीं बढ़ पाती। तो ये क्या है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, ठीक है, स्टेराइल मेल टेक्निक। फिर है सिनर्जिस्ट्स, ये अभी हमने बात की थी, जो किसी केमिकल के साथ जब स्प्रे के रूप में हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। इनको क्या बोलते हैं सिनर्जिस्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने हम ही पढ़े था अभी जो है ना सिसेमिन, सिसेमिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, डेंसिटी डिपेंडेंट। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व, सीधी सी बात है कि जितने भी बायोलॉजिकल जो इन्वॉल्व होते हैं, बायो ऑर्गेनिजम्स जितने भी इन्वॉल्व होते हैं किसी एक इकोसिस्टम में, इकोलॉजी के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, वो डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। प्रभावित कैसे करते हैं, अब ये हो सकता है पॉजिटिव हो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, जो डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। अब देखिए डेंसिटी, सबसे पहले देखिए जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स आ गए, ठीक है, इसके अलावा जो भी प्रीडेटर हैं पेरास्टोइड है वो सारे किस में आएंगे, डेंसिटी डिपेंडेंट में, क्योंकि डेंसिटी से प्रभावित होते हैं वो, है ना, डिपेंड रहते हैं डेंसिटी के आधार पर। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि इनके आपस में सहयोग से संख्या अगर बढ़ती है तो वो पॉजिटिव है, अगर कम होती है तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव के अंदर जैसे कंपटीशन आ गया है ना, फूड के लिए हो गया या फिर अदर रिसोर्स के लिए हो गया, कंपटीशन है इनके अंदर, अगर आपस में कंपटीशन होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर पॉजिटिव इंट्रैक्शंस है, जैसे अगर मैं बात करूँ कॉमन सेलिज्म है, इनके बारे में बात करेंगे अपने अभी कि क्या होते हैं कॉमन सेलिज्म है, तो इससे क्या होगा कि आपस में एक दूसरे को फ़ायदा होता है, और फ़ायदा होगा तो इनकी संख्या बढ़ेगी, तो ये बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, ये सारे क्या कहलाते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर आपके जो हैं नेचुरल एनिमीज जो हैं, है ना, नेचुरल एनिमीज भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर है इंसेक्ट रिपेलेंट्स, ये अभी हमने जो लास्ट एक दो दिन पहले जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था इंसेक्ट रिपेलेंट्स क्या होते हैं, वो मतलब ये प्लांट के अंदर इन्वॉल्व भी हो सकते हैं अपने, इनको आर्टिफिशियली यूज भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो दूर भगाने का काम करते हैं, ठीक है, अगर कोई इंसेक्ट किसी पर्टिकुलर प्लांट से अगर मूव अवे होता है, ठीक है, यानी कि दूर भागता है या फिर इसको दूर भगाने के लिए जो काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई लीफ है, ठीक है, ये कोई लीफ है, तो इस लीफ के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था, मान लीजिए छोटे छोटे क्या है हेयर्स हैं इसकी सरफेस पे या फिर स्पाइंस हैं, तो इससे क्या होगा कि कोई भी जो सकिंग पेस्ट जो होगा, ठीक है, सकिंग पेस्ट जो होगा वो इसके ऊपर जो है इसकी प्रोबोसिस के थ्रू इससे रस जो है वो चूस नहीं पाता, या फिर बात करें इससे जूस कंटेंट प्राप्त नहीं कर पाता, तो इससे क्या होगा ये अपने आप को प्लांट सुरक्षित कर लेता है और इस स्पाइंस की वजह से ये दूर भागते हैं, है ना। तो ये क्या हो गए रिपेलेंट हो गए, आर्टिफिशियली भी आते हैं जिससे क्या हम फील्ड के अंदर लगा के इंसेक्ट को दूर भगा सकते हैं। जैसे कि लाइट की बात करें, मोस्टली इंसेक्ट्स कैसे हैं जो वाइट लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो अगर हम येलो लाइट लगा देंगे तो वो क्या है दूर भागेंगे, है ना, वहाँ उस लाइट के पास नहीं आएंगे, तो ये क्या है वो भी रिपेलेंट का काम करेंगे। कहने का मतलब जनरली जो दूर भगाने का काम करते हैं वो सारे क्या है रिपेलेंट। फिर नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोटेक्शन, तो ट्रांसजेनिक फसलों द्वारा कीट नियंत्रण की बात हो रही है, अभी हमने इसका बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी प्लांट के अंदर, है ना, वांछित जीन को ट्रांसफ़र करके किसी इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट पावर डेवलप करना क्या कहलाता है, ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉप, वो जो क्रॉप होगी वो क्या कहलाएगी
ट्रांसजेनिक क्रॉप कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर बीटी कॉटन, तो कॉटन के अंदर क्या है, बीटी बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया जो है उसका निफ जीन जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था, जिससे क्या है ये जो बीटी कॉटन है ये किसके बॉलवर्म्स जो होते हैं, है ना, कॉटन के बॉलवर्म्स होते हैं उनके विरुद्ध क्या है इसमें रेजिस्टेंट पावर डेवलप की गई। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, बीटी कॉटन नहीं है, बीटी जो है टोबैको भी है ना, इसके अलावा टोमेटो भी है, तो इन सब के भी जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है डेवलप की गई है ताकि एक पर्टिकुलर पेस्ट के लिए पर्टिकुलर क्रॉप को रेजिस्टेंट पावर डेवलप करवा सके। फिर है इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, ETL, ये भी लिखा हुआ आ सकता है सिर्फ ETL, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, डैमेज बाउंड्री क्या होती है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल क्या होती है, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल क्या होती है, ये सारी डेफिनेशन पढ़ लेना, अभी 100% आती आती है। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल की, ठीक है, तो ये क्या है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल वो लेवल है जिस पे किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन की वो लेवल जहाँ पे हमें क्या है कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑफ स्पीसीज, ठीक है, व्हेन क्या है कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाई, यानी कि किसी भी इंसेक्ट है उसकी पॉपुलेशन का वो नंबर वो संख्या जहाँ पे हमें क्या है कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, कंट्रोल मेजर्स का मतलब क्या है, आपने स्प्रे वगैरह हो गया है ना, तो उसको कंट्रोल करके इनको इस ETL लेवल से कम लाया जाता है, ताकि क्योंकि अगर ये ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे ये किस लेवल तक पहुँच जाएंगे, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल तक, जिसकी हमने हमें बात की थी पीछे, यहाँ पे पहुँचने पे क्या होगा हमें इकोनॉमिक आर्थिक क्षति होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये ध्यान रखा जाता है अभी, है ना। तो ये क्या हो गया, ETL हो गया, जहाँ पे कंट्रोल मेजर सप्लाई करना पड़ता है, ये पर्टिकुलर पेस्ट के लिए पर्टिकुलर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाइट फ्लाई के लिए बात करूँ, तो वाइट फ्लाई के 10 से 15 निम्फ अगर आपको पर लीफ दिखाई दे जाए, पर पत्ती कॉटन फील्ड के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमें स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो क्या धीरे धीरे इनकी संख्या और बढ़ जाएगी और इकोनॉमिकल इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिकल इंजरी लेवल क्या है, अगर किसी पेस्ट को ETL लेवल पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो उसकी संख्या बढ़ती हुई कहाँ पहुँच जाती है, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल पर, जहाँ हमें क्या है रियल में इकोनॉमिकल इंजरी स्टार्ट हो जाती है, इकोनॉमिकल इंजरी यानी कि हमें आर्थिक क्षति होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर उपज में जो है वो गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो उपज मिलेगी उसमें हमें कमी मिलेगी, या फिर प्लांट पार्ट्स जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल इंजरी लेवल गया, ऐसे ही डैमेज बाउंड्री होता है, तो ये भी देख लेना, मैंने करवा रखा है क्लास में। फिर है फिरोमोन, फिरोमोन क्या होता है, हार्मोन होता है एक, जो नॉर्मली क्या है इंसेक्ट्स में होता है पहले से, है ना, ये फीमेल क्या है, एक फीमेल द्वारा इन्वायरमेंट के अंदर एक हार्मोन को रिलीज किया जाता है जिसको बोलते हैं फिरोमोन, इसकी तरफ क्या है मेल इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसको हम आर्टिफिशियली भी यूज़ ले सकते हैं, इसको आर्टिफिशियली हम यूज़ लेते हैं मेल इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, और मेनली ये जो यूज होता है वो लेपिडोप्टेरन जो पेस्ट है, यानी कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स हैं पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम काम में लेते हैं अभी, है ना। तो ये हो गया फिरोमोन, आपको डेफिनेशन लिखनी है इसकी खाली। फिर है मोल्टिंग हार्मोन, ठीक है, नेक्स्ट है मोल्टिंग हार्मोन। अब मोल्टिंग हार्मोन क्या होता है, वो हार्मोन जो इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग जब होती है या फिर त्वचा निर्मोचन जब होती है उस समय काम आता है, या फिर उसको रेगुलेट जो करता है वो क्या कहलाता है, मोल्टिंग हार्मोन। और मोल्टिंग हार्मोन कौन सा होता है, एग्डाइसोन, ये क्या है मोल्टिंग हार्मोन है, जो कि क्या करता है रेगुलेट करता है किसको, मोल्टिंग को,
मोल्टिंग को रेगुलेट करता है उसको क्या बोलते हैं, मोल्टिंग हार्मोन। ठीक है, एक डाइसन होता है जिससे क्या इंसेक्ट में बार बार त्वचा निर्माण होती है, पुरानी त्वचा को वो निकाल देता है, उसकी जगह पे नई त्वचा आ जाती है, और जो पुरानी त्वचा वो हटाता है अपनी बॉडी से उसको क्या बोलते हैं, एग्जुवी, एग्जुवी उसको बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है ना। फिर है फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स वो केमिकल्स जिनको हम जब फ्री एनवायरनमेंट में रखते हैं या रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो उससे क्या होता है, गैस निकलती है जो इंसेक्ट को किल करने के लिए काम आती है, उनको क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेंट्स। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी एक एल्यूमिनियम फॉस्फोइड की, एल्यूमिनियम फॉस्फोइड की जिसकी 3 ग्राम टेबलेट से 1 ग्राम फॉस्फिन गैस निकलती है, एल्यूमिनियम फॉस्फोइड। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड तो ये क्या है, एक फ्यूमिगेंट है जिनको यूज लिया जाता है, और मेनली किसके खिलाफ, रोडेंट्स के खिलाफ, रोडेंटिसाइड घरों में यूज लिया जाता है, या फिर जो स्टोर हाउस जो है ना, भंडार गृह जो होता है वहाँ पे इनको यूज लिया जाता है फ्यूमिगेंट्स को। फिर है नेचुरल कंट्रोल। ठीक है, प्राकृतिक नियंत्रण। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक नियंत्रण, इसका मतलब मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि इसमें आपको कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करना है, आर्टिफिशियली कुछ नहीं डालना है। तो इसके अंदर जो यूज़ लिए जाते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या आएंगे, नेचुरल एनिमीज, नेचुरल एनिमीज हो गए, जैसे पैरासाइट, पैरासिटोइड्स हो गए, या फिर प्रीडेटर हो गए, ये यूज होंगे, या फिर जो क्या है, बोटनिकल्स हैं, बोटनिकल्स यानी कि बोटनिकल इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे एनएसके, नीम सेट, कर्नेल एक्सट्रैक्ट जो होता है, एजेक्डिरेक्टिन जिसके अंदर होता है ना, या फिर पायरेथ्रम हो गया जिसकी अभी हमने बात की थी, पायरेथ्रम, निकोटिन हो गया, एटसेट्रा। तो इन सब का क्या है, यूज़ लिया जाता है। तो ये इन सब को यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नेचुरल कंट्रोल कहलाता है। ये हो गया अभी आपका डेफिनेशन कंप्लीट। अब जो आपके क्वेश्चन आते हैं 4-4 नंबर के है ना, उनमें से ये 8 दिए होते हैं, इनमें से आपको किसी 5 के आंसर देने होते हैं। तो सबसे पहले इनको भाई मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि हमने करवा रखा है, बता देता हूँ नॉर्मल एग्रो इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कृषि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, एग्रो इकोसिस्टम। एक तो सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, नेचुरल नहीं होके क्या होता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या है, इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है। तो इसमें क्या करता है, पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए वो क्या है, कुछ चीज़ें चेंज करता है, जैसे सीड रेट हो गई है ना, सोविंग हो गई, उनको अपने आधार पे चेंज कर देते हैं ताकि होने वाले पेस्ट के द्वारा जो डैमेज है उसको कम किया जा सकते है। सीड रेट हो गया, सोविंग हो गई, या फिर उसके अंदर जो कल्चरल एक्टिविटी है और भी है ना, उनको चेंज करके कंट्रोल करना क्या कहलाता है, एग्रो इकोसिस्टम। और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे मैंने करवा रखा है, उसको देख लेना भी। फिर नेक्स्ट है नीम, एजेडिरेक्टिका, इंडिका। अब इसने पूरा दे दिया, अब इस इतना लिखा है तो इसमें आपको करना क्या है, आपने लिखना है कि नीम जो है, एजेडिरेक्टा इंडिका, इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है, एजेडिरेक्टिन, एजेडिरेक्टिन जो कि कहाँ से प्राप्त होता है, नीम के सीड्स, ठीक है, या फिर जो लीव्स हैं पत्तियों से प्राप्त होता है। फिर इनको क्या है, पीस के घोल बना के क्या बनाया जाता है, एनएसके ही बनाया जाता है, नीम सीड, कर्नेल एक्सट्रैक्ट, और इसको फिर क्या है, बाद में कौन कौन से पेस्ट को मैनेज करने के लिए काम में लिया जाता है वो सब लिखना है। मेनली ये क्या करता है, सर्फेक्टेंट के रूप में काम करता है, प्रोटेक्टेंट के रूप में, प्रोटेक्टेंट के रूप में, यानी कि जब इसको स्प्रे किया जाता है किसी प्लांट के सरफेस पे, तो वो जो है इस केमिकल की वजह से इंसेक्ट उसको फीड नहीं करते हैं, उसको खाते नहीं हैं, और मेनली इसको यूज़ लिया जाता है लोकस्ट के खिलाफ है ना, जो टीडी जो होती है उसके विरुद्ध इसको यूज़ लिया जाता है। तो इसका बाकी अच्छे से पढ़ लेना भी है ना। फिर है एप्लीकेशन टेक्निक ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, कि इंसेक्टिसाइड को अप्लाई करने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ये मैंने बता रखी है पहले ही, कौन सा हो गया, जैसे स्प्रे हो गया,
लिक्विड स्प्रे, फिर डस्टिंग होगी, डस्ट के रूप में उसको डायरेक्ट उसको फील्ड के अंदर बुरकाना, या फिर ग्रेनुअल्स होंगे, ग्रेनुल्स हो गए यानी कि जो छोटी छोटी गोलियों के रूप में, पैलेट्स हो गई, ये सारे मैंने करवा रखे हैं भी, है ना। फिर इसके अलावा अगर बात करें तो सीड ड्रेंचिंग होगी, सीड के पास जो है वो देना इसको इंसेक्टिसाइड को, और इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट हो गया, सीड ट्रीटमेंट, या फिर सेट का ट्रीटमेंट जो मेनली किसमें किया जाता है, शुगर केन के अंदर। तो ये सारे मेथड्स हैं किस किस मेथड से हम क्या है काम में ले सकते हैं। इसके अलावा और भी है, मैंने करवा रखी है, देख लेना भी अच्छे से, है ना। तो इस फिर नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एंटी लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एंटी लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको आपको ये भी लिखा हुआ आ सकता है LWO, लोकस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, लोकेस्ट वार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? ये बना था 1939 को, 1939 के अंदर। फिर बाद में इसको किसके अंदर शामिल कर दिया गया? DPPQS में, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड स्टोरेज है, जो 1946 में बना था, इसके अंदर शामिल कर दिया गया। तो इसका मेन अगर काम बात करें कि काम क्या होता है ना, तो इसका मेन काम क्या होता है कि ध्यान रखना, उसके ऊपर सर्वे करना, उसके ऊपर सर्वेलेंस रखना, निगरानी रखना, कि पूर्वानुमान लगाना उसका, फोरकास्टिंग, कि कब टीडी का अटैक हो सकता है, और जब उसका अटैक हो, जैसे अभी हुआ था, तो अटैक हुआ था, तो उसके बाद उसको कैसे मैनेज करना है, वो किस तरफ मूवमेंट कर रही है, उसको किसे मैनेज कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर केमिकल्स का स्प्रे करना, है ना, या फिर अदर जितने भी मेथड्स हैं उन सबको करना। ये सारे क्या है, इसके फंक्शंस हैं एंटी लोकस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। फिर है नोवल इंसेक्टिसाइड, नेक्स्ट है नोवल इंसेक्टिसाइड या श्रेष्ठ कीटनाशी। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि कीटनाशी के अंदर क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले तो कि वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, है ना, यानी कि आप प्लांट के किसी भी पार्ट पे स्प्रे करो, वो पूरे प्लांट में फैल जाना चाहिए, उसके वेस्कुलर सिस्टम में। फिर सेकेंड अगर बात करें तो वो क्या होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर पेस्ट के लिए ही क्या है, वो जो है साबित होना चाहिए खतरनाक। कहने का मतलब, हम अगर उसको स्प्रे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि वो टच में आने वाले जितने भी इवन बेनिफिशियल जो है, लाभदायक भी है, उनको भी नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लंबे समय तक बनाए रहने वाला होना चाहिए, यानी कि फील्ड जो है, जो क्रॉप के अगर अपने हम स्प्रे करते हैं तो उसके ऊपर एक लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड के लिए बना हुआ रहना चाहिए। इसके अलावा फिर जब हार्वेस्टिंग का टाइम आए, ठीक है, हार्वेस्टिंग का जब समय आता है, तब इसका असर जो है वो कम हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या है, जब ग्रेन्स वगैरह है उनके अंदर अगर इसका जो है रेजिड्यू रह जाएगा, अगर रेजिड्यू रह जाता है तो वो क्या है कंजप्शन के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, या फिर जो बात करें, ठीक है। तो ये सारा हो गया कि एक नोबल इंसेक्टिसाइड क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, मैंने करवा रखा है क्लास में, उसमें देख लेना भी अच्छे से। फिर है डिफाइन IPM, IPM की डेफिनेशन क्या है, तो मैंने आपको बता रखी है FAO के अकॉर्डिंग भी और नॉर्मल भी, तो इसको पढ़ लेना भी, है ना। सीधी सी बात है कि इंसेक्ट को मैनेज, किसी पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको एक साथ ऐसे कॉम्बिनेशन में यूज़ करना कि वो इकोनॉमिकली सेफ भी हो, है ना, यानी कि इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली, यानी कि वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हो, है ना। तो ऐसे इसको यूज़ करना, सारी टेक्निक्स को क्या कहलाता है, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जैसे मैकेनिकल हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, है ना। तो इन सारों को क्या है एक साथ इस प्रकार मैनेज करना ताकि जो है कॉस्ट कम से कम आए और बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिले, क्या कहलाता है IPM। फिर है पॉजिटिव रिएक्शंस इन एन इकोसिस्टम। पॉजिटिव रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है, अभी हमने बात की थी पीछे भी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पॉजिटिव का पूछा गया है, तो मेनली जो है दो चीज़ें होती है, एक होती है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में होता है कि इसमें कोई भी दो इंटरेक्शंस, कोई भी दो जो है इंडिविजुअल्स होंगे, कोई भी दो
इंडिविजुअल्स होंगे उनके बीच इंट्रैक्शंस होगी, आपस में इंट्रैक्शंस होगी। अब ये इंट्रैक्शंस जो हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ म्यूचुअलिज्म की बात करें तो यहाँ पे बेनिफिशियल होती है, यानी कि फ़ायदेमंद होती है। इसमें क्या होता है, दोनों को, यानी कि दोनों जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको क्या होगा, फ़ायदा होगा, बेनिफिट होता है, दोनों इंडिविजुअल्स को बेनिफिट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे लेग्यूम क्रॉप जो है, ठीक है, लेग्यूम क्रॉप जो है, अब इसके क्या है, रूट में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, रूट्स में, ठीक है, राइजोबियम, राइजोबियम। तो इसमें क्या है, इन दोनों को फायदा है। अब ये लेग्यूम क्रॉप जो है, इसको फायदा ये है कि ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, ये इसके लिए नाइट्रोजन जो है वो बना के देता है, ठीक है, प्लांट को क्या है, वातावरण से नाइट्रोजन जो है उसका स्थिरीकरण करके देता है। अब लेग्यूम क्रॉप से इसको फायदा क्या है कि इसको शेल्टर मिलता है, आवास मिलता है, इसकी रूट्स में जगह मिलती है इसको ग्रो करने के लिए। तो ये क्या है, दोनों को फायदा होता है, तो ये क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। फिर ऐसे ही एक होता है कॉमनसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म। तो कॉमनसेलिज्म में क्या होता है कि एक को तो बेनिफिट होता है, वन गेट्स बेनिफिट, एक को तो बेनिफिट होता है, और सेकंड जो होगा उसको ना तो बेनिफिट होगा और ना ही हार्म होता है, यानी कि ना ही उसको नुकसान होता है। तो ये क्या कहलाता है, कॉमनसेलिज्म। बाकी इसको मैंने अच्छे से क्लास में बता रखा है, उसमें और देख लेना। फिर नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन, कि असेसमेंट ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन, किसी भी जो इंसेक्ट पेस्ट है उसकी पॉपुलेशन को कैसे असेस कर सकते हैं, निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, जैसे ट्रैप्स हो गए अलग अलग, फिरोमोन हो गया, लाइट ट्रैप हो गया, ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बाइट ट्रैप हो गया, या इसके अलावा अगर बात करें तो स्वीप नेट हो गया, जिससे क्या है, फ्लाइंग इंसेक्ट को पकड़ने के काम लिया जाता है, स्वीप करके उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट आते हैं उनकी पॉपुलेशन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। या इसके अलावा और बात करें तो सर्वे जो मैंने बताया था, रोविंग है ना, रोविंग सर्वे जो बताया था वो हो गया। तो इन सब से क्या है, हम इंसेक्ट की पॉपुलेशन का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ट्रैप के अगर अंदर हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर रात के समय में लाइट ट्रैप लगा देते हैं, उसके अंदर जितने इंसेक्ट कलेक्ट होंगे उनको काउंट कर लेते हैं। ऐसे ही अगर बात करूँ मैं स्वीप नेट की, तो स्वीप नेट को हम क्या करते हैं, प्लांट की जो सरफेस होती है उसके आसपास क्या है, इसे घुमा के देखते हैं, उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा, इसके अलावा क्वाड्रेट मेथड बताया था एक मैंने। अब क्वाड्रेट मेथड में क्या होता है, जो पूरा फील्ड होता है उसको छोटे छोटे भागों में काट बांट लिया जाता है, और एक जो छोटा भाग होगा जो स्क्वायर के रूप में, उसमें एक एक प्लांट पे टोटल पेस्ट काउंट कर लिए जाते हैं, फिर उसको पूरे फील्ड के हिसाब से क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो एक जो है एग्जैक्ट पॉपुलेशन हमें पता चल जाती है। फिर इसके बाद जो आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं 15-15 नंबर के, उनकी बात करेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले है डिस्क्राइब डिफरेंट टूल्स एंड मेथड ऑफ आईपीएम, यानी कि टूल्स या मेथड्स कौन कौन से हैं आईपीएम के, वो बताने हैं आपको। तो वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले फिजिकल, मैकेनिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया, और फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, और इसके अलावा जो है एक दो और रह गए इसके अलावा, ये देख लेना। ये मैंने आपको क्लास में एक एक क्लास अलग अलग, एक एक टूल की अलग अलग क्लास ली है। फिजिकल कंट्रोल के लिए एक पूरी क्लास अलग से ली है, मैकेनिकल की अलग से ली है, बायोलॉजिकल की अलग से ली है, केमिकल की तो 3-4 क्लासें हुई है। तो इन सारे टूल्स को पढ़ लेना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा गया डिस्क्राइब डिफरेंट टूल्स एंड मेथड्स ऑफ आईपीएम, तो आपको इनको पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं करना है, मेन मेन चीज़ें लिखनी है
कि एक फिजिकल कंट्रोल जो है उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, मैकेनिकल के अंदर क्या करते हैं, ऐसे ही बाकी जो टूल्स बच के उनके अंदर क्या क्या करते हैं, ठीक है, उनका लिखना है। फिर इनके लिखना है विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी कि फिजिकल कंट्रोल की बात करें, इंडिविजुअल लिखना है कि इसका फ़ायदा क्या है और इससे नुकसान क्या क्या है या इसकी कमियाँ क्या क्या है, मैकेनिकल कंट्रोल के फ़ायदे क्या है और उसकी कमियाँ क्या क्या है, ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। फिर है राइट एन ऐसे उन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, कि जैविक नियंत्रण के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है, डिस्क्राइब द आइडियल डिफरेंट बायोजेंट्स, और इसके साथ साथ आपको जो आइडियल या मुख्य मुख्य जो भी बायोजेंट्स हैं उनके बारे में बताना है, जैसे कौन कौन से प्रीडेटर हैं जो मेनली काम में लिए जाते हैं, या पेरास्टोइड है या पेरासाइट्स हैं, तो इस सब के बारे में आपको बताना है। कहने का मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में आपको पूरा जो है डिटेल में बताना है। फिर है नेक्स्ट होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। अब होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस है क्या, पहले तो ये बताना है, फिर ये बताना है कि उसके मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं, बेस क्या है और उसका यूज़ क्या है। होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले तो ये एक साइंटिस्ट थे आर एच पेंटर, उन्होंने दी थी 1951 में। इसमें क्या होता है होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, अब देखिए होस्ट प्लांट का मतलब क्या होता है, परपोषी पौधा जो होगा, ठीक है, पोषी पादप जो होगा जिसके ऊपर इंसेक्ट डिपेंड रहते हैं, रेजिस्टेंस उसकी जो रेजिस्टेंस है यानी कि वो जो प्रतिरोध दिखाता है किसी इंसेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉटन की बात करूँ मैं, ठीक है, कॉटन की क्रॉप है, अब कॉटन में बीटी कॉटन है, ठीक है, बीटी कॉटन है, तो इसमें क्या होगा, इसके ऊपर जो बॉलवर्म्स का अटैक होता है, बॉलवर्म्स का नॉर्मल कॉटन के ऊपर जो अटैक होता है वो इसमें नहीं होता है ना, रीजन क्योंकि इसके अंदर ऐसा जीन विद्यमान है, तो ये क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी एक प्रकार की, है ना। तो आपको ये बताना है कि होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या होती है, फिर इसके मैकेनिज्म्स बताने हैं। अब मैकेनिज्म्स में क्या क्या होता है, मेनली तीन तीन मैकेनिज्म है इसके, एक तो होता है एंटीबायोसिस, फिर होता है एंटीजिनोसिस, और थर्ड होता है टॉलरेंस। एंटीजिनोसिस को नॉन प्रेफरेंस भी बोलते हैं, नॉन प्रेफरेंस, ठीक है, तो ये तीन है। अब इसमें क्या होता है, एंटीबायोसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है, ये प्लांट के अंदर गुण होता है कि वो इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल जो होती है, लाइफ साइकिल के अंदर चेंजेस कर देता है, यानी कि या तो वो बहुत जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कर देगा या फिर बहुत लंबा उसका टाइम बढ़ा देता है, ताकि उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले जो प्रीडेटर या पेरास्टोइड है उसको प्रॉपर टाइम मिल सके उसको फीड करने के लिए। ऐसी एंटीजिनोसिस या नॉन प्रेफरेंस में क्या होता है कि इंसेक्ट जो है, कोई पर्टिकुलर प्लांट है जो वो प्रेफर नहीं करता है इंसेक्ट उस पर्टिकुलर प्लांट को, एग्लेइंग के लिए या फिर अपने आवास के लिए, वो हो सकता है किसी फिक्स एक केमिकल की वजह, कंपाउंड की वजह से हो या फिर अदर कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो उसको प्रेफर नहीं करता या उस प्लांट के ऊपर, उस पर्टिकुलर वेराइटी के ऊपर जो है वो एग्लेइंग नहीं कर पाता। फिर है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर डैमेज हो भी जाए, कोई भी इंसेक्ट अगर प्लांट के ऊपर डैमेज कर देता है, तो इस प्लांट के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको रिकवर कर लेता है, उसने जो डैमेज किया है उसको वो रिकवर कर लेता है वापस। तो इसको डिटेल में देख लेना भाई, ये आपका 2018-19 का पेपर है, तो ये कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें नेक्स्ट जो है वो मैं आपको पेपर करवाऊंगा, इसको भी देख लेना अच्छे से, और जितनी भी क्लासें लगाई हैं उनको देख लेना, ठीक है, अच्छे से। और एग्ज़ाम आपके जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, तो देख लेना भाई उस हिसाब से पढ़ते रहना अच्छे से, बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कभी भी पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।